व्हाट इज द मिस्ट्री, ऐसा क्या रहस्य है कि गुरु तुम्हारे जैसा होने के बावजूद भी वो उस ईश्वरीय सत्ता में से निर्भय और निर्वैर पना लेकर तुम तक पहुंचा देता है। और अगेन, गुरु इज नेवर अ पर्सन, गुरु इज अ प्रेजेंस। मैंने हमेशा कहा है हाउ इम्पॉर्टेंट, सो गुरु इज अ मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ क्वांटम फील्ड। हम गुरु को मिस्टीरियस बोलते हैं, मिस्टिक बोलते हैं, रहस्यात्मक है गुरु। क्यों? आज मैंने कोशिश की है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड साइंस, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, इसलिए इन सबको क्लब करके मैंने गुरु और शिष्य के अस्तित्व को आज इस बोर्ड पर लाकर रख दिया है। जब तुम गुरु के पास आओगे तभी तुम मेरे निराकार फील्ड में से बहुत कुछ डिराइव करना शुरू करोगे, और इस बात को भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा विज्ञान के साथ उसके सहारे कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ कि गुरु के माध्यम से, एक गुरु के माध्यम से, एक देही गुरु के माध्यम से, देह गुरु के माध्यम से, शरीर गुरु के माध्यम से तुम तक वो ईश्वरीय अनुभव कैसे पहुंचता है। लेकिन गुरु खोजे कैसे, गुरु का निर्णय कैसे करें, गुरु को माने कैसे, ये सबसे पहला प्रश्न चिन्ह आता है। आई नो SRM के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन SRM में भी नए 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 लोग आते रहते हैं, और अब विश्व भर में जब लोग देख रहे हैं तो लोगों को भी ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज गुरु एंड हाउ गुरु गिव्स यू, व्हाट इज अ मिस्ट्री, ऐसा क्या रहस्य है कि गुरु तुम्हारे जैसा होने के बावजूद भी वो उस ईश्वरीय सत्ता में से निर्भय और निर्वैर पना लेकर तुम तक पहुंचा देता है। गुरु कौन है ये तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, गुरु क्या है ये तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन गुरु कौन नहीं है ये पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू शो यू वन स्लाइड कि गुरु कौन नहीं है। अभी तक की सारी पौड़ियां तुम्हें समझ में आ गई? सब पौड़ियों में एक ही बात चल रही है कि एक गुरु को खोज लो जो गुरु तुम्हारे को उस एक अनुभव की तरफ लेकर जा सकते हैं। हम गुरु कैसे अनुभव की तरफ लेकर जा सकते हैं देखेंगे, बट सबसे पहले हु इज नॉट नेसेसरली अ गुरु। नेसेसरी हो भी सकता है बट पक्का नहीं कह सकते कि ये है तो ये गुरु है ही है। फर्स्ट, अ पर्सन वेल वर्स्ड इन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, बाइबल, कुरान, धम्मपद, समयसार एटसेट्रा इज नॉट नेसेसरली अ गुरु। जिसे बहुत अच्छी तरह से सब मुख पाठ है, खाली श्लोक और सूत्र नहीं उसके मीनिंग भी मुख पाठ है, जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। पंडित हो सकता है, जानकार हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन गुरु हम उनको नहीं मानते। नेक्स्ट, अ पर्सन विद लॉन्ग ग्रे हेयर, सेफ्रन और वाइट रोब्स मे नॉट नेसेसरीली बी अ गुरु। अपना पल्लू झाड़ रही हूं मैं, जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी दाढ़ियाँ हो ऐसा, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं होता है कि कहीं लंबी दाढ़ियाँ सफ़ेद कपड़ों में तुमने किसी को देख लिया, गुरु मान लेते हो। तुम उन्हें चारित्रवान मान सकते हो, तुम उन्हें संयमी मान सकते हो, चारित्रवान मान सकते हो, संयमी मान सकते हो, बाबा जी मान लो, बट नॉट गुरु। गुरु एक बहुत ही अद्भुत घटना है। जैसे तुम हर किसी को ईश्वर नहीं कह सकते, ऐसे ही तुम हर किसी को पति नहीं कह सकते। जैसे आना चाहिए तुम्हें, isn't it? जैसे तुम हर किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते, भाई किसी को भी मना लोगे चलो, लेकिन किसी को भी तुम हस्बैंड तो नहीं बोल सकते, बेटा किसी को भी बना लोगे। तो ये गुरु इज अ वेरी 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 स्पेशल रिलेशन, और ये किसके साथ होना चाहिए ये पहले समझ लो कि ये बहुत जिसको सब टेक्स्ट आते हैं वो भी नहीं, सफेद कपड़ों वाले भी गुरु नहीं हो, नॉट नेसेसरीली। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स नॉलेज फिल्ड डिस्कोर्सेज एंड विंस हार्ट ऑफ पीपल मे बी अ गुड ओरेटर, कैन बी अ गुड ओरेटर, अच्छा वक्ता है वो, तुम उसे अच्छा वक्ता मान सकते हो, बट अगेन मैं कहूंगी वो गुरु नहीं है। नॉलेज से भरे हुए, भगवद गीता का रहस्य समझा दिया तुम्हें, धम्मपद का रहस्य समझाया, अब सिखिज्म पर है तो जपजी साहेब भी समझा रहे, लेकिन अगेन इट कैन बी आई एम अ गुड ओरेटर,
मैं अच्छा वक्ता हो सकती हूँ, गुरु पता नहीं. अगेन आई एम सेइंग नेसेसरीली नॉट अ गुरु. नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज बीइंग फॉलोड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स मे नॉट नेसेसरीली बी अ गुरु. हजारों शिष्य हैं, सत्संग अपलोड होते ही हजारों लोग देख लेते हैं, हजारों शिष्यों से गुरु की का निर्णय नहीं होता. इनफैक्ट मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छा लिखा था, अ गुरु इज नॉट जज्ड बाय हाउ मेनी डिसाइपल्स ही इज हैविंग, अ गुरु इज जज्ड बाय हाउ मेनी गुरु ही इज प्रोड्यूस्ड. कितने गुरु उसने पैदा किए, कौन निर्भय और निर्वैर हुआ, कौन सहजात्म स्वरूप के उस अनुभव की तरफ गया, किसके जीवन में शांति, सुकून, तटस्थता, नित्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, ये उससे जज करना. नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन परफॉर्म आर्डस आसन्स एंड कैन सिट इन मेडिटेशन फॉर सेवरल आवर्स कैन नॉट नेसेसरीली बी कॉल्ड अ गुरु. पांच पांच घंटे ध्यान कर लेता है, योगा योग करा देता है, हर तरह से शरीर को मोड़ सकता है, वो गुरु है ऐसा भी नेसेसरीली नॉट हो भी सकता है. देखो इसलिए तुम शब्दों को फ्रेजिंग समझ रहे हो भी सकता है हो, लेकिन अब वही गुरु है ऐसा हम मनवाने नहीं चाहते. लास्ट, अ पर्सन हु इज बॉर्न इन द लाइनेज ऑफ अ गुरु इज नॉट नेसेसरीली अ गुरु. मेरी ही लाइनेज में कोई पैदा हो रहा है तो वो गुरु हो गया, नॉट नेसेसरीली. तो फिर गुरु कौन है? यहाँ तक बात समझ में आती है कि गुरु ये नहीं हो सकते, और तुम कहोगे हम इन्हीं को तो गुरु मानते थे प्रभु, और आप में ये सब कुछ दिखता है, अब आपने तो हमें कन्फ्यूजन में डाल दिया, तो आपको भी गुरु माने कि नहीं. मैं बता रही हूँ तुम्हें, आगे का स्टेप बता रही हूँ, तुम उससे डिसाइड करना. और अगेन, गुरु इज नेवर अ पर्सन, गुरु इज अ प्रेजेंस. मैंने हमेशा कहा है व्हाट इज गुरु, तो रिमेंबर गुरु इज अ क्वांटम रिप्रेजेंटेशन. यहां से एक साइंटिफिक मोड गुरु को समझने के लिए हम शुरू करते हैं. व्हाट इज गुरु? गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है किस लिए? आपको मुझसे ज्यादा लंबी आयु चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, किस लिए आते हो तुम मेरे पास? गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो केवल एक ही कारण से होता है कि शिष्य जो भी है उसको उससे बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाते 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 उस लेवल तक पहुंचा देना है कि वो अपने गुरु को जान पाए. इस रिश्ते की केवल इतनी ही इसकी सार्थकता है, और इसमें शायद सब कुछ आ गया. तो सबसे पहली बात आज जो समझनी है, गुरु शिष्य रिलेशन क्या है? गुरु शिष्य रिलेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिष्य. यस, स्वीकार करते हो? ये हमारा पूरा टॉपिक अब चलेगा. व्हाट इज गुरु? गुरु पर्सन नहीं है, गुरु प्रेजेंस है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक संबंध है, गुरु एक रिश्ता है, गुरु एक अदृश्य शक्ति है. हम सब कुछ कहते हैं बात, गुरु खाली इस व्यक्तित्व में नहीं है, इसके अंदर पड़ी शक्ति है. बट हाउ दैट शक्ति, हाउ दैट पावर, हाउ दैट इनविजिबल फोर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, इज वर्किंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यू, ये आज हम अब समझने जा रहे हैं. ये पहली बात समझ में आती है कि गुरु शिष्य का संबंध क्यों है. ये गांठ बांध लो, जस्ट टू ट्रांसफॉर्म यू, नॉट टू फिल यू विद रिचेस. दूसरा सिद्धांत समझो, ये गुरु और शिष्य दोनों कहाँ रह रहे हैं? ब्रह्मांड में. यस, और ब्रह्मांड का एक कानून है कि एंटायर कॉस्मोस, एंटायर यूनिवर्स, कॉस्मोस लो, ब्रह्मांड लो, इज कनेक्टेड. यस और नो? By the theory of singularity, by the theory of string theory, by the theory of entanglement, जितनी भी साइंस की थ्योरीज जो अभी अभी पिछले एक आध शताब्दी के अंदर निकली है, इन सब ने कहा है कि everything is connected. यही भगवत गीता में भी हमने देखा था, और यही एक ओंकार के अंदर भी हमने इस चीज को देखा, सब कुछ यहाँ कनेक्टेड है. क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि सब कुछ एक में से ही बाहर आया. जब एक में से ही आया तो कनेक्टेड होगा ही होगा. ओके, बट द स्ट्रिंग्स आर इनविजिबल,
एंटायर कॉस्मोस ब्रह्मांड इज कनेक्टेड. तो गुरु और शिष्य जब भी साथ है तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि नहीं है. ब्रह्मांड खुद ही ये सुविधा देता है. तीसरा सिद्धांत समझो एक. गुरु का काम क्या है? तुम्हें अपने आइडियल स्टेट तक पहुंचाना, इजंट इट? तो ये जो तुम्हारा आइडियल सेल्फ है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन ब्रह्मांड, इन क्वांटम फील्ड. ब्रह्मांड यानी क्वांटम फील्ड. अगर तुम्हें साइंस पसंद है तो क्वांटम फील्ड बोलो, नॉर्मल कहना है तो ब्रह्मांड कहो. तुमसे तुम्हारा बेहतर व्यक्तित्व ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है. यस और नो? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. और तुम्हारा जो बेटर वर्जन है वो ऑलरेडी कहीं पड़ा है. आज अगर मैं रूपांतरित हुई 22-23 साल पहले, तो जो रूपांतरित सेल्फ था वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉस्मिक वाइब्रेशंस में एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था? बिकॉज बाय द लॉ ऑफ गॉड, बाय द लॉ ऑफ गॉड यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, एवरीथिंग इज क्रिएटेड. तुम अपने आप से कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते इस क्रिएशन में. हाँ, तुम डिस्कवर जरूर कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट इन्वेंट एनीथिंग, क्योंकि जो कुछ भी तुम इन्वेंशन करने जा रहे हो वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पड़ी है. यस और नो? सो एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, योर आइडियल सेल्फ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द क्वांटम फील्ड. तुम जो होना चाहते हो वो कहीं ना कहीं इस क्वांटम फील्ड में, वो डेटा, वो मैप, वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तुम्हारा एज इट इज पड़ा ही है. बस तुम्हें नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचना है. यहां तक बात समझ में आ रही? सी, इट इज बिट ऑफ साइंस, लेकिन मैं इतना स्लो समझाऊंगी कि शायद तुम समझ पाओ. आगे चलते हैं. तुम क्या हो अब? योर सेल्फ या माई सेल्फ, वॉट एवर, वॉट इज सेल्फ? वॉट यू थिंक प्लस हाउ यू फील इज इक्वल टू स्टेट ऑफ बींग. सोच सोच के हाँ बोलना. तुम क्या सोचते हो और तुम कैसा महसूस करते हो उसके बेस पर निर्णय होगा अभी तुम कैसा फील कर रहे हो. वॉट इज योर स्टेट ऑफ बींग राइट नाउ, अभी की बात कर रहे हैं. वॉट यू थिंक एंड हाउ यू फील, यानी थॉट एंड फीलिंग दो बातें चल रही है. तुम क्या विचार करते हो और तुम क्या महसूस करते हो, इन दोनों का जोड़ी तुम्हारा व्यक्तित्व है, इजंट इट? उससे ज्यादा क्या? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू थिंक प्लस हाउ यू फील इज इक्वल टू व्हाट यू आर राइट नो. तुम अगर कुछ खराब सोच रहे हो और तुम गंदा गंदा फील कर रहे हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा, योर स्टेट ऑफ बींग कैसा होगा? तुम प्रसन्नता में हो, तुम अच्छा सोच रहे हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा, योर स्टेट ऑफ बींग विल बी टोटली डिफरेंट. Agree to it? So, हर मनुष्य के पास ये दो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज हैं. वन इज थिंकिंग फैकल्टी एंड वन इज फीलिंग फैकल्टी. यस और नो? ये थिंकिंग क्या है? थिंकिंग, थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में समझो इसे, इट इज लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो पूरे क्वांटम फील्ड में मैसेज फ्लैश करते हैं. And feeling are like magnetic signals which draws back the events back into your life. दो बातें समझना ध्यान से, वापस कहूंगी because tough है. Thinking क्या है? ये तुम्हारी भाषा में कहूं तो ये request है जो तुमने ब्रह्मांड में भेजी, एक अपील भेजी ब्रह्मांड में. It is like electric signals. ये पूरी ब्रह्मांड की फील्ड को हम electromagnetic field कहते हैं. actually कहते हैं कि नहीं साइंस के स्टूडेंट्स? ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. तो इसमें इलेक्ट्रो क्या है? थिंकिंग. और इसमें मैग्नेटिक क्या है? फीलिंग. तो जब तुम थिंकिंग करते हो तो तुम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे हो ब्रह्मांड के अंदर. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, ऐसा कोई सिग्नल भेज रहे हो. तो ये है, एक रिक्वेस्ट भेजी तुमने. लेकिन हाउ यू फील, इससे तुम उसको मैग्नेटिज्म से ड्रॉ करते हो, अपने उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई पाते हो. एंड दैट मेक्स योर स्टेट ऑफ बीइंग. ये बात समझ में आती है? तुम थिंक कुछ कर रहे हो, तुम फील कुछ कर रहे हो, तुम्हारा तो अंदर ही द्वंद्व इतना सारा है.
डेफिनेटली है. यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ रही है? थिंकिंग आर लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो एक मैसेज भेजते हैं पूरे ब्रह्मांड में कि मुझे ये चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव वन आईफोन, समझ लो मेरे को एक आईफोन चाहिए. फीलिंग, हाउ आई फील अबाउट आईफोन. अगर मुझे आईफोन के लिए कोई अच्छी फीलिंग ही नहीं है तो वो ब्रह्मांड में मैसेज तो गया लेकिन वहां से रिप्लाई अच्छा नहीं आएगा. या तो आईफोन मिलेगा नहीं मुझे, या मिलेगा तो खो जाएगा, कोई चुरा लेगा उसे. बिकॉज व्हाट आई फील प्लस व्हाट आई थिंक इज इक्वल टू माई स्टेट ऑफ बींग. और ब्रह्मांड सतत तुम्हें सुन रहा है, सतत. तुम जैसे ब्रह्मांड को सतत सुन रहे हो ना कानों में डाल के, वैसे ब्रह्मांड भी कंटिन्यूअसली तुम्हें सुन रहा है. यहां तक बात समझ में आ रही है? सो तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या महसूस कर रहे हो, उससे तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग है. बजा लो, तुम्हें ताली बजानी है थोड़ा बीच में, बजा लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. गुरु कैसे होते हैं? गुरु है, चलो तुम भी मेरे जैसे ही हो. ओके, ठीक है. एक गुरु है, एक शिष्य है. शिष्य के अंदर भय की एनर्जीज है और हेट्रेड की एनर्जीज है. यस और नो? ये भय और ये नफरत, हेट, यानी फियर एंड हेट. ओके, गुरु की एनर्जीज कैसी है? जब वो अपने निराकार रूप में है तो देयर इज जस्ट, दिस इज वननेस. फ्रीक्वेंसी दिख भी नहीं रही, ऐसी है. और जब अपने निराकार अनुभव से बाहर आते हैं, आज्ञा चक्र पर है, तो उनके पास लव की फ्रीक्वेंसीज है. दिख रही हैं तुम्हें ये फर्क? दिख रहा है कुछ? ये भारी भारी फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, धीरे धीरे भारी भारी तमस, ये भी भारी भारी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऊपर आते आते लाइटनेस आती जा रही है. एंड फ्रीक्वेंसीज फास्ट, वेरी फास्ट. यहाँ देखो इतनी फटाफट वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, वननेस और लव की एनर्जी में है. ये तुम हो और ये गुरु तत्व है. गुरु तत्व, मैं अपनी बात भी नहीं कर रही, मैं केवल गुरु तत्व की बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब जब तुम गुरु के समागम में होते हो, आगे बढ़ते हैं. ये पॉइंट फोर इस फाइव इसको बना देते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन को. पॉइंट सिक्स, जब तुम गुरु के समागम में होते हो तो व्हाट इज गुरु? गुरु इज प्योर फीलिंग्स, यस, प्लस राइट थॉट. जब तुम मेरे समागम में आए हो और हमने कॉन्शियसली इस समागम को इकट्ठा किया है, तो मेरी फीलिंग्स तो गॉड लविंग फीलिंग्स चल रही है, वननेस की फीलिंग्स चल रही है, और साथ साथ में मेरा तुम्हारे लिए थॉट क्या है कि तुम सब भी इस चीज का अनुभव करो. तो मेरी फीलिंग्स क्या है? प्योर है. और मेरी थिंकिंग क्या है? राइट है. शिष्य कैसा होता है? ना तो उसकी फीलिंग्स प्योर है, तुम देख रहे हो शिष्य को, और ना उसकी थिंकिंग राइट है, उसे तो संसार चाहिए. तुम गुरु के पास आते हो तो योर थॉट प्लस गुरु थॉट, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं इस फील्ड में, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड. यस, योर थॉट, तुम्हारा थॉट कौन सा है? मुझे संसारिक चीजें मिल जाए, मुझे संसारिक वस्तुएं मिल जाए, ये तुम्हारा थॉट है. लेकिन गुरु का थॉट क्या है? तुम्हें निर्भय निर्वैर पना मिल जाए. तो तुम्हारा थॉट और गुरु का थॉट दोनों मिलते हैं. इट सेंड्स सिग्नल इनटू क्वांटम फील्ड. वाओ, क्योंकि दोनों के थॉट्स मिल गए. तुम तो चाह रहे हो अभी संसार, लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में इतनी ताकत नहीं है, वो कब पहुंचेगी? मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी ताकतवर है, फटाफट भाग रही है, फटाफट पहुंचेगी. समझ में आ रही है बात? योर फीलिंग्स प्लस गुरुज फीलिंग्स, दोनों इकट्ठे हो गए. गुरु क्या फील कर रहे हैं? वननेस. गुरु क्या फील कर रहे हैं? लव को. वननेस एंड लव, दो ही चीजें मैंने लिखी. और तुम फील क्या कर रहे हो? हेट एंड फियर. तुम्हारी फीलिंग्स ऑफ हेट एंड फियर प्लस गुरु की फीलिंग ऑफ
लव वननेस काइंडनेस मिली तो इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम ब्रह्मांड या क्वांटम फील्ड. ये बात समझ में आ रही है कैसे घटना घट रही है. तो तुम कुछ नहीं करते हुए भी तुम बहुत कुछ हो जाते हो और तब तुम मुझे कह सकते हो कि कोरोना आया, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन प्रभु हमें तो बिल्कुल भय ही नहीं लगा, हमें तो किसी के प्रति वैर का भाव ही नहीं आता. प्रभु क्षमापना क्या करे, मुझे लोग आके बोलते, आप ही बोलते हैं चाची कि हम क्षमापना किसकी ले, हमें तो किसी के प्रति वैर ही नहीं. हाउ यू चेंज्ड, नॉट बाय लिसनिंग बट बाय बीइंग इन द एनर्जी फील्ड ऑफ अ गुरु. इसीलिए प्रत्यक्ष गुरु का समागम चाहिए. तुम्हारी भाषा में कहूं, जो आजकल की यंगस्टर्स की भाषा है, समझ लो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 1G पर ऑपरेट कर रही है या ये 3G पर ऑपरेट कर रही है, तो गुरु की 5G पर ऑपरेट कर रही है. तुम सोचो डाउनलोड कितना फास्ट होगा. इसीलिए कहीं मैंने पढ़ा था कि तुम गुरु के समागम में आकर तुम जो मांगो वो तुम तक नहीं पहुंचता, पर गुरु जो तुम्हारे लिए मांगते हैं ना वो तुम तक पहुंचता है. इसलिए मैं भी कहती हूं कि मेरे पास आकर तुम मुझसे जो मांगोगे ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा, पर मैं जैसा चाहती हूं ना तुम हो जाओ वैसे तुम हो जाओगे. एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम दिस. हाउ इंपॉर्टेंट. सो गुरु इज अ मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ क्वांटम फील्ड. हम गुरु को मिस्टीरियस बोलते हैं, मिस्टिक बोलते हैं, रहस्यात्मक है गुरु. क्यों? आज मैंने कोशिश की है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड साइंस, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. इसलिए इन सबको क्लब करके मैंने गुरु और शिष्य के अस्तित्व को आज इस बोर्ड पर लाकर रख दिया है. यदि अलग से कुछ करना पड़े तो तुम गुरु के समागम में नहीं हो, लेकिन गुरु के समागम में हो यानी यहीं बैठे बैठे तुम खुद को रूपांतरित पाओगे. और इस पूरी घटना को, ये जो घटना है दिस, खाली इतनी सी, इसको हमने भगवान नानक की भाषा में तिस नदर कहा है. हिज ग्रेस, ईश्वर की ग्रेस तुम तक पहुंचेगी कैसे? गुरु के क्वांटम फील्ड के कनेक्शन के थ्रू तुम तक पहुंचेगी. एंड दिस इज द एंटायर मिस्ट्री ऑफ अ गुरु. हाउ वंडरफुली वी कुड अंडरस्टैंड. गुरु की कृपा अनकंडीशनल होती है. तुम बस उसकी मौजूदगी में आ गए ना, वहां तक का तुम्हारा पुरुषार्थ है. उसके बाद उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्वांटम फील्ड से कुछ ऐसे सिग्नल्स को ड्रॉबैक करती है, कुछ ऐसे इवेंट्स को लेकर आती है जो तुम्हारे को निर्भय और निर्वैर बनाने की ओर लेकर जाता है.